हेलो, आज हम लोग ये वाला पिक्चर का फोटो बनाने वाले हैं जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कैनवा में एक ब्लैंक पेपर ओपन कर लेंगे और एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे वुडन बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग फोटो के सेक्शन में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मैंने ये वाला डिजाइन उठाया, उसको मैं फ़ोटो के नीचे के सेक्शन में लगाऊंगी जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद मैं पूरे पेज का कलर चेंज करूंगी, तो मैं यहाँ पे कलर का नंबर लिख रही हूँ और नंबर है 4828820। उसके बाद हम सेकेंड कलर लेंगे और उस सेकेंड कलर का नंबर होगा 1809006। इसमें आप स्टाइल चूज कर सकते हैं, तो मैं स्टाइल चेंज कर ली। उसके बाद वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। उसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे बैकग्राउंड और एक बैकग्राउंड उठाएंगे और ये जो वुडन का बैकग्राउंड था और ये जो कलर है उसके बीच में लगाएंगे। उसके बाद इसको बैकवर्ड कर देंगे पोजिशन में जाके, मतलब लेयर में जाके। उसके बाद हम लोग वापस उठाएंगे एलिमेंट और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे पिक्चर। उसके बाद फ़ोटो के सेक्शन में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एक अच्छा सा पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और उसे उठाएंगे। यहाँ पे मैं ये वाला पिक्चर उठा रही हूँ। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगी और साइज में थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा टेढ़ा कर दूँगी और इस तरीके से इस पेज पर लगा दूँगी टेढ़ा करके। उसके बाद इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और जिस ना टेढ़ा ये पहला वाला पिक्चर है वह उतना ही टेढ़ा ये सेकेंड वाला पिक्चर करेंगे और इसका पोजीशन में जाके इसको सेकेंड वाले पिक्चर को बैकवर्ड कर देंगे ताकि वो पीछे चले जाए। उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर सर्च करेंगे सेटो और इस सेटो को हम लगाएंगे पिक्चर के नीचे, पिक्चर के पीछे। तो मैं साइज़ इसका कर रही हूँ थोड़ा छोटा और इस तरीके से लगा लिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे पोजीशन में और इस सेटो को कहेंगे बैकवर्ड। उसके बाद हम लोग लेयर पे जाएंगे और सेटो को सेलेक्ट करके सेकेंड वाले पिक्चर के नीचे भी उसी तरीके से लगाएंगे जैसे फर्स्ट वाले पिक्चर के नीचे लगाए थे। उसके बाद हम लोग ये वाले सेटो को भी बैकवर्ड करेंगे पोजीशन में जाकर। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेक्स्ट पे और यहाँ पर हम लोग सब हेडिंग उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टूटे पेस्ट टील। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके ऊपर लेके जाएंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट में यहाँ पे सर्च कर रही हूँ ये वाला और मैंने इसका साइज थोड़ा सा कम कर दिया। ये वाला फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे टेक्स्ट पे और यहाँ पर उठाएंगे एक हेडिंग और लिखेंगे डिलीशियस। इसका मैं फॉन्ट एक सिंपल सा अच्छा सा रखूँगी, तो मैं यहाँ पे सर्च की और इसको मैं ऊपर लेके गई। इसका फॉन्ट पैट बड़ा करूँगी। उसके बाद मैं ये जो टूटे वाला है टूटे पेस्टेल उसको डुप्लीकेट करूँगी और नीचे में लिखूँगी एडिट करके फूड मेन्यू। उसके बाद हम लोग इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे दूसरा फॉन्ट यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यूज किया। उसके बाद इसका साइज़ पे जाएंगे और साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे, फिर इसके कलर पे जाएंगे और इसका कलर चेंज करेंगे और इस कलर का नंबर होगा 9233। उसके बाद हम लोग जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर स्क्वायर उठाएंगे और इसको बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे, पूरा लंबा करेंगे और फिर
एंड फिर मैंने इसको डुप्लीकेट करके इस तरीके का लुक दिया एंड वाइट वाले को पीछे करके ऑरेंज वाले को आगे किया। उसके बाद हम लोग जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर लिखेंगे लोको लैश ट्रेंड। नॉर्मली यहाँ पर मैं लैश, आपका जो लोको है आप वो यूज करेंगे, मेरे पास कोई लोको नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसे उठाई एंड इसका वाइट कलर करके इसको सबसे ऊपर में कॉर्नर में लगा दूँगी। यहाँ पर आपको अपना अपना लोको लगाना है। उसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ओनियन लिंक। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो मैं एक ग्राफिक भी करी और यहाँ पर ये वाला ओनियन उठाया एंड इसको कॉर्नर पोस्ट के लास्ट में लेके गई एंड वापस से हम लोग एलिमेंट भी गए और यहाँ पर हम टूसला फ़ोटो खोज लें जो देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं फ़ोटो के सेक्शन में गई, थोड़ा सा नीचे गई एंड थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा एंड यहाँ पे मैंने 3 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। तो फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड चेंज करूँगी और इसको ब्लर के ऑप्शन में जाके ब्लर करूँगी होल इमेज करके। इंटेंसिटी रखूँगी 55 थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसका रखूँगी 20 लगती हूँ। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूँगी और दोनों जो पीचर हैं उसके बीच में लगाऊँगी जैसे स्क्रीन पे देख लें। अब इसको हम लोग लेयर पे जाएंगे और इस फोटो को सेलेक्ट करके इसे नीचे लेके जाएंगे जिससे ये पिक्चर के बीच में आ जाए और पिक्चर नीचे हो जाए। नॉर्मली आप पोजीशन में जाके बैकवर्ड भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेयर करके चूज़ किया है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफिक वाला ओनियन है इसे सेलेक्ट किए एंड जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हम एडजस्ट करेंगे। के बाद हम लोग इफेक्ट पे जाएंगे और इसके ब्लर पे जाएंगे और होल इमेज करके ब्लर कर देंगे। उसके बाद हम लोग 1 जो स्लाइस है उसको जाएंगे और उसको ब्लर करेंगे। ये तीनों ओनियन को मैंने ब्लर कर दिया। अब उसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे मिंट। तो यहाँ पे मैं ये वाला मिंट उठाई और इसको छोटा करके कॉर्नर में लगा दूँगी। इसको भी मैं ब्लर कर दूंगी जैसे मैंने बाकी ओनियन को किया है। उसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे टोमेटो। इन बेसिक आपको जो जो चीज़ लगता है कि पिज़्ज़ा में है वो चीज़ यूज करेंगे पोस्ट के चारों तरफ और उसे ब्लर करके यूज करेंगे। ब्लर कैसे करना है वो तो आप जानते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो भी लिया और उसे भी उसी तरीके से ब्लर करके ऊपर में लगा दिया। उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर सर्च करेंगे नेक्स्ट चीज़ जो नॉर्मली पिज़्ज़ा में यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे चिल्ली यूज किया है। फ़ोटो के सेक्शन में गई तो मुझे ये वाला फ़ोटो देखने को मिला चिल्ली का जो देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे इस पोस्ट में लगाने का फाइनल किया। तो अब मैं बाकी जो चीज़ें हैं उसको इधर उधर करके एडजस्ट कर रही हूँ ताकि सारा चीज़ अच्छा लगे और देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद जो चिली यूज किया उसको ब्लर करूँगी जैसे मैंने बाकी को किया। इसका ब्लर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसका ब्लर कम करूँगी। आपको किस फोटो में कितना ब्लर करना है वो आपको करने के बाद ही समझ में आएगा। इन स्टार्टिंग बाद में आप अपने मन से भी पता कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे एलिमेंट पे और यहाँ पर हम लोग सर्च कर रहे हैं कोरिएंडर। तो कोरिएंडर भी यूज होता है पिज़्ज़ा में शायद, तो मैंने यहाँ पे कोरिएंडर यूज किया और एक फ़ोटो उठाया उसे छोटा किया। और अब मैं
फाइनल करने का कोशिश कर रही हूँ कि इस कोरिएंडर को कहाँ लगाया जाए। अब मैं इसको ब्लर करूँगी इफेक्ट पे जाके, ब्लर के ऑप्शन में होल इमेज करके, बट ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था और इस पोज की तरह चाप ही नहीं रहा था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैंने दूसरा कोरिएंडर का फ़ोटो उठाया और इसको मैं ब्लर करूँगी, ब्लर पे जाके 55 रखूँगी ब्लर पहले स्टार्टिंग में, पर ये गलती से हो गया तो अब मैं लिख रही हूँ बहुत कम 28-25 के, तो मैंने इसका साइज़ किया छोटा। अब मैं चारों तरफ घुमा घुमा के देख रही हूँ कि कितना अच्छा लगेगा कितना अच्छा नहीं लगेगा। डिज़ाइन मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, आप अलग अलग तरह से अलग अलग जगह डाल के एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग एलिमेंट पे गए और यहाँ पर मैंने सर्च किया कॉल, तो एक कॉल का आइकन उठाऊँगी और नीचे में लगाऊँगी जो वो ऑरेंज कलर का पत्ता है, ऑरेंज कलर का लाइन है उस पर। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पे गए और यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के लिए मैंने एक सब हेडिंग उठाया और यहाँ पर मैं एक नंबर टाइप कर रही हूँ, मैं एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर टाइप कर रही हूँ, आप वही नंबर टाइप करना जो आपके यूज पे हो, जो आप यूज करते हो। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ 9122830000। उसके बाद हम कहेंगे इसका साइज छोटा, मतलब बहुत छोटा। इसके बाद फॉन्ट पे गए और मैं अलग अलग यहाँ पे फॉन्ट ट्राई कर रही हूँ। मैंने जैसा पहले बताया कि डिज़ाइन सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, आप अलग अलग चीज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे दूसरा फॉन्ट यूज किया और उसी को डुप्लीकेट किया और यहाँ पर अब हम इस नंबर को डिलीट कर देंगे और लिखेंगे फॉर डिलीवरी, और इसे मैंने और कैपिटल कर दिया। अब मैं नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी साइज में, क्योंकि वो पहले बार नंबर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था तो मैंने नंबर को बड़ा कर दिया। एंड उसके बाद ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस से एलिमेंट पे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे वेबसाइट, अगर आपका रेस्टोरेंट का कोई वेबसाइट है तो वो भी डालना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक वेबसाइट का आइकन उठाया और उसे वहीं जगह उसी जगह लगा दूँगी नीचे, एंड फॉर डिलीवरी को कॉपी करूँगी। एंड यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख दिया है, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है cloudkitchen.com, बट आपको अपने वेबसाइट का नाम लिखना है। तो ये लिखने के बाद मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, साइज़ इंक्रीज कर दिया। इसके बाद हम लोग फॉन्ट पे जाएंगे और एक ऐसा फॉन्ट उठाएंगे जो क्लियर हो, साथ में छोटा भी हो ताकि ये ज़्यादा जगह ना छेके। उसके बाद मैं ये बार फॉन्ट फाइनल करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम करूँगी, ये अच्छा है क्लियर है इसलिए मैंने ये वाला फॉन्ट यूज किया है। इस टाइप का चीज़ क्लियर होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए। उसके बाद हम लोग फॉन्ट भी गए, तो मैंने एक बार और थोड़ा सा इधर उधर फॉन्ट यूज करके ट्राई किया जो देखने में अच्छा लगने का, एंड मैंने वही फाइनल करके छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस से टेक्स्ट पे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे बॉडी जो सब हेडिंग से भी ज़्यादा छोटा होता है, उसे उठाया और मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया पिज्ज़ा से रिलेटेड, जैसे कि ये 30 मिनट में आपके पास पहुँच जाएगा, ये 24/7 ओपन रहता है, इस टाइप का चीज़ मैंने लिखा है। इसको हर इंसान पढ़े उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट के लिए जैन शरीफ का यूज किया है। एंड उसके बाद ये ना मैंने जो लिखा ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो मैंने इसको कट करके छोटा किया, स्पेसिंग का थोड़ा आगे पीछे किया स्पेसिंग क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले रहा था। उसके बाद हम लोग वापस से गए और थोड़ा थोड़ा चीज़ ये एडिट किया, जैसे कि मैंने ऑर्डर में
ओ के जगह आई लिख दिया, इस टाइप का चीज मैंने ठीक किया। उसके बाद हम लोग इसके साइज को आगे पीछे करेंगे, और इसका साइज छोटा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग स्पेस वापस से पहले जैसा कर दिया लेटर स्पेस, और ये पोस्ट बनके तैयार हो गया। कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कोवर्कर के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके के अच्छे अच्छे पोस्ट बनाए, पोस्ट सीखने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।